आत्मा जातवी दस्वी दस्वचिद्धव चात्मन पुदेव पशु
तंत्र ब्रह्म ज्योत न ग्रहे जात विदे स्वाद मन जात नो मा ओम तन पा सम विरंग रोग दीन और ध्यान से ग्रस्त हो जाए विस्य स्वाहा जम निग से नो मा ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते नि दस्तव दस्वते दवदय जात मान प्रजया पशु विमवचसी नाना दीन समी देव स्वाहा इदम अग्ने जात विदे नो मा ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते नि दस्तव दस्वते दवदय एहसास नहीं रहा, मुझे भी ये लगा कि मैं अभी भी जवान हूँ और दौड़ने क्रम में गिर गया और गिरने के क्रम में मुझे सबको पता है कि मुझे यहाँ पे बोन फ्रैक्चर की वजह से रॉड लगा हुआ है। रॉड टूटने के क्रम में या टूटते टूटते बच गया, इसलिए मैं अगले दिन से आना बंद कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कोचिंग दिया एक दो तीन दिन ही सही, उसके लिए मुझे भी बधाई मिलना चाहिए, मैं भी बधाई का पात्र बनता हूँ। आप सभी ने जिस जोश के साथ, जिस तन्मयता के साथ इस हवन में शामिल होकर के शांतिपूर्वक अपना अपनी हिस्सेदारी दिखाई, इससे मुझे लगता है कि आपका ये सम्मान, श्रद्धा, प्यार
इस गलती का जो उनको याद दिलाया गया, वो कहते हैं रामायण में उस सिस्ट की नावती बाद ये साइड में रखा रह गया। खास दिक्कत थी उनको अपने शक्ति का एहसास ज्ञान नहीं होता था, इतना भी ज्ञान नहीं है। भाई चंद्र से कोई हनुमान है ये भी आरत है, तब से ये लगा नहीं कि हम लोग किसी प्रिंसिपल के साथ काम कर रहे हैं, लगता था कि अपने भाई के साथ में काम कर रहा हूँ। प्रिंसिपल बनना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रिंसिपल होते हुए भाई बनकर काम करना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इसी भावना को, इसी बात को इन्होंने अभी तक कायम रखा। ये अगस्त मतलब ये 8वां महीना चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि रखेंगे। और जब भी मैं आऊँगा घूमते फिरते कभी, विश्वास है, उम्मीद है कि सर वही प्रेम वही रूप दिखलाते रहेंगे। और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मेरे ये 9th ईयर चल रहा है। इस 9th ईयर में मेरे सुबह से लेकर के शाम तक छुट्टी के समय तक का जो भी कार्यक्रम मेरा होता था लैब में बीतता था, वो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे बच्चों के बीच में आता था, उन छोटे क्लास के बच्चे हों चाहे बड़े क्लास के बच्चे हों, उन दुख सुख में मुझे एक आदमी का बहुत सहयोग मिलता रहा। और वो कोई नहीं है बल्कि वो हमारी छपरा की ही बेटी संजू कुमारी है। तो संजू के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। कभी मुझे नहीं लगा कि मैं किसी स्टाफ के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे लगता था कि मेरी मैं भी छपरा का हूँ, ये भी छपरा के ही है, तो मुझे लगता था कि मेरी छपरा के बहन हो चाहे बेटी हो उसके साथ ही काम कर रहा हूँ। और जिस अधिकार के साथ मैं उसको डांटता था बोलता था, वही अधिकार के साथ मैं आरडी मोको सर को भी आरडी पांडे सर को बोलता था। लेकिन कभी भी इन्होंने मुझे ये दर्शाया कि आपकी इस बात से मुझे दुख पहुँचा है या किसी बात का रिएक्शन इन्होंने दर्शाया हो। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र रहेगी जरूर मिलने आऊँगा, उम्र तो जाएगी, आप भी जरूर आगे बढ़िए। इसी दुआओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर ने एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था आपसे कि हमारा लैब जो है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, इस लैब का अगर कुछ उद्धार हो सकता है तो कोशिश कीजिए अगर हो सके। प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किए, लेकिन जितना सोचे थे उतना नहीं हुआ। सर को लगा थोड़ा सा नाउमीद सर हो गए थे बीच में, लगा था कि अब शायद मेरे रिटायरमेंट के बाद ही कुछ हो, तो हो अभी तो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन प्रयास किए तो कुछ केमिस्ट्री लैब में कुछ हो गया सुधार, अब थोड़ा सा ढंग का लगता है थोड़ा देखने में। सर मेरा प्रयास रहेगा कि लैब को और ज़्यादा एनरिच करें, जितना भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स है उससे लैब को पूरा सुसज्जित करें, प्रयास करेंगे। ये आते आते हमारा एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन सारे लैब को सुधारना और अपडेट करना ये हम लोगों का धर्म होता है और इसको करना पड़ता है। तो सर थोड़े से नाराज जरूर होंगे, चलो थोड़ा सा कुछ तो किए, पूरा नहीं कुछ तो सुधरा है केमिस्ट्री लैब, क्या बच्चों थोड़ा साइंस के रूप से बेटर बता पाएंगे, अगर कुछ सुधरा है तो बता दो, थोड़ा सुधरा है। अभी और सुधरेगा, नेक्स्ट फेज में और भी सुधरेगा। एस के झा सर को यहाँ ज्वाइन करने से पहले जब ये बरकाकाना में थे तब से सर को हम जान रहे हैं, और ये भी बरकाकाना में भी आज जिस तरह से आप सब सर को उतना प्यार दे रहे हैं, बरकाकाना में भी बच्चे इनसे उतने ही प्यार करते थे और सर की इज्जत उतना ही थी वहाँ भी। ये तो विधि का विधान होता है,
पता नहीं नमक पानी जहाँ लिखा रहता है इंसान वहीं जाता है। तो सर का यहाँ लिखा हुआ था तब से सर यहाँ सेवा दे रहे हैं, और डीएवी में ये तो परंपरा है कि आज यहाँ तो कल कहाँ पता नहीं। तो सर हमेशा आते रहे, हम लोगों के बीच में आते रहे, स्वस्थ रहे, पूरे परिवार के साथ खुशहाल रहे, अपनी जिंदगी की दूसरी पारी को एक नए सिरे से एक नया नाम लेकर आगे बिताएं, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बदल रही है रूप छाव है कहीं कहीं है रूप हर पल जहां की भरियो जो है समा कल हो न हो। थैंक यू। ये हर बार हम हवन करते हैं सब कुछ के लिए और बढ़िया से भी करते हैं। आज उन्होंने मेरे लिए हवन किया है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जय तो संस्कृतम।